इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क। अब क्योंकि चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस आर है, उसके एक्सिस पे आपको ई निकालना है। अब क्योंकि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क में, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है और कितने एरिया के ऊपर है पाई आर स्क्वायर, तो डेंसिटी क्या बनेगी? क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे, ना एनसीईआरटी में आता है, हम सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे। अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो इस फॉर्मूले को डिस्क के साथ, कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? डिस्क किससे बनी हुई है? रिंग से। पहले आप एक रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, और रिंग में याद है वाई एक्सिस में ई कैंसिल हो जाता था, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा सिर्फ एक्स के अलोंग चलता था। तो अगर एक रिंग का सिर्फ एक्स के अलोंग चलता है, तो ऐसी कितनी मर्जी रिंग्स लगा लो, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेट आंसर किसके अलोंग आएगा? सिर्फ एक्स। तो डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के अलोंग रहेगा, वाई में क्या होगा? जीरो। और कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught 2 pi sigma, सिग्मा मैंने बता दिया चार्ज बाय एरिया, 1 minus x upon under root of r square plus x square। इसका प्रूफ अगर कोई देखना चाहे, रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होती है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अभी थोड़े टाइम में करेंगे, पर फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स में एनसीईआरटी में प्रूफ आएगा नहीं, एनसीईआरटी में डिस्क नहीं आती, एनसीईआरटी में डिस्क नहीं आती, सिर्फ रिंग तक आता है बोर्ड के अंदर। पर कॉम्पिटिशन में एक आध क्वेश्चन डिस्क पे आ जाता है और सीधा ई के फॉर्मूले पे आता है। तो प्लीज आप ये फॉर्मूला लिस्ट में से ऐड कर लो और इसे याद कर लो।